नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता। पेश है अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें कोलकाता से। पुरुलिया की सभा से सीएम ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। कहा, पुरुलिया में बनेगा एयरपोर्ट और तैयार होगी फिल्म सिटी। रघुनाथपुर में होगा 72,000 करोड़ का निवेश। उन्होंने कहा कि पुरुलिया के विकास के लिए काफी कार्य किए जा रहे हैं। मुने रखबेन आपनादेर रघुनाथपुरे 72,000 কোটি টাকার শিল্প হবে, আর হাজার হাজার ছেলে মেয়ে চাকরি পাবে, লক্ষাধিক ছেলে মেয়ে চাকরি পাবে। জঙ্গলমহল সুন্দরী পরিকল্পনা করে দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়ায় অনেক বাইরের মানুষ আসে, সিনেমায় শুটিং করতে আসে, তাদের কথা ভেবে গতকাল আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পুরুলিয়ায় একটা ফিল্ম সিটি তৈরি করব আমরা, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে আছে। আর পুরুলিয়ার আর একটা বিমানবন্দর তৈরি করব আমরা। ছড়ায় একটা প্যাচ আছে, সেটা আমরা রিজিওনাল কানেক্টিভিটিতে নিয়ে যাব। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने महानगर के इलाकों से बेतरतीब तारों को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया है। कई बार केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक भी की गई है, जिसके बाद से बेतरतीब तारों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हरीश मुखर्जी रोड में भी ऐसे तारों को हटाने का कार्य शुरू किया गया था। केएमसी सूत्रों की माने तो महानगर के हरीश मुखर्जी रोड पहला ऐसा रोड होगा जो तारों के जंजाल से मुक्त होगा। कोलकाता से हावड़ा को जोड़ने वाला सेकेंड हुगली ब्रिज बेहद ही अहम ब्रिज है। कभी कभी पुलिस के लिए उस समय परेशानी बढ़ जाती है जब सेकेंड हुगली ब्रिज से कोई कूदकर गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा का दायरा पूरी तरह से बढ़ाया जा रहा है। सेकेंड हुगली ब्रिज के दोनों ओर आउटर रेलिंग लगाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 से 10 फुट होगी। अभी इसकी ऊंचाई 3 फुट है। पुलिस द्वारा यह प्रस्ताव HRBC को दिया गया है। HRBC की ओर से आउटर रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। CBI की टीम कोयला तस्करी मामले में कुछ और प्रभावशाली लोगों को तलब कर सकती है। इस मामले में हाल ही में विधायक शौकत मुल्ला को तलब किया गया है। अभी और कुछ प्रभावशाली हैं जिन्हें CBI की टीम तलब कर रही है। सूत्र बताते हैं कि इन्हें अगले सप्ताह नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। जीरो की खबरों पर एक नज़र। श्यामनगर की वेवरली जूट मिल को खोलने की मांग पर मंगलवार को मिल के श्रमिकों व सभी श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने बैरकपुर स्थित ज्वाइंट लेबर कमीशन कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि पिछले 18 महीनों से यह मिल बंद है, ना तो उनका बकाया भुगतान किया गया है और न ही मिल को खोलने की दिशा में कार्रवाई की गयी है। आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में डालने का धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी सुनील जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। विधाननगर साइबर थाने की पुलिस ने बताया कि अभियुक्त बागुईहाटी इलाके में एक निजी ऑफिस का मालिक है। आरोप है कि सुनील बागुईहाटी इलाके में ऑफिस खोल रखा था। आरोप है कि उसके ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देश दुनिया की खबरें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2011 से 2021 तक मैं 11 चुनाव से जुड़ा रहा और केवल एक चुनाव हार गया, जो यूपी में कांग्रेस के साथ है। तब से मैंने फैसला किया है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है। आइए देख लेते हैं आज का राशिफल। कोलकाता 1 जून 2022 राष्ट्र तिथि 11 ज्येष्ठ के 1944 मेष राशि प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आशा है। पूरी निष्ठा के साथ कम क्षेत्र से जुड़े रहे, सहयोगियों का सहयोग बना रहेगा। वृष राशि अवसर प्रदान करने वाला दिन हो सकता है। रोका काम थोड़े प्रयास से बन सकता है, कम क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें। मिथुन राशि सफलतादायक स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा प्रयास आपको समस्या मुक्त कर सकता है, कम क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें। कर्क राशि दिन खर्च प्रधान बने रहने की आशा है, मन में कभी कभी खिन्नता का अनुभव कर सकते हैं, तनाव से बचें। सिंह से दिन लाभदायक रहने की आशा है, रुका काम थोड़े प्रयास से संभव है, कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें, मन में प्रसन्नता का समावेश रहेगा। कन्या राशि सहयोगियों के सहयोग से कर्म क्षेत्र से जुड़े रहे, प्रयासों को गति प्रदान करें, आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। तुला राशि किसी आदमियों के सहयोग से चल रही समस्याओं का समाधान संभव है, राहत का अनुभव करेंगे। वृश्चिक राशि मानसिक शांति बनाए रखते हुए कोई भी निर्णय अपनों के राय परामर्श में लें, हड़बड़ी से बचें, चिंता कारक स्थिति बन सकती है। धनु राशि बकाया भुगतान थोड़े प्रयास से संभव है, दिन लाभदायक रहने की आशा है, कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें,
मकर राशि, चल रहे प्रयासों में प्रगति की संभावना है, आलस का त्याग करते हुए कर्म क्षेत्र से जुड़े रहे। कुंभ राशि, चल रही समस्याओं में सुधार थोड़े प्रयास से संभव है, अपनों के राय परामर्श में रहे, कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान लगाए। मीन राशि, कोई पारिवारिक समस्या चिंता का कारण बन सकती है, तनाव मुक्त रहते हुए धैर्य से काम लें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। आज का मौसम, आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। अब तक के लिए इतना ही, बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।